तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। आज हम दोबारा आ चुके हैं पहल वर्ल्ड में। ये हमारे सीरीज का थर्ड एपिसोड होने वाला है। पिछले एपिसोड में हमने अपना घर बनाया था और यहाँ पर थोड़ा बहुत सामान बनाया था, और आज के एपिसोड में हम कुछ खतरनाक पोकेमोन जो है पैल्स पकड़ने वाले हैं। चलो बिना कुछ देरी के वीडियो शुरू करते हैं। पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर न्यू है प्लीज सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो आज के एपिसोड में बहुत सारे पैल्स जो हैं वो कलेक्ट करने वाला हूँ, जिससे मैं उनकी पैल्स फिर बना सकूँ, जिससे मैं बहुत सारे पोकेमोन कैच कर सकूँ। तो यहाँ पर मैं वही फाइंड कर रहा हूँ बहुत सारे। और यहाँ पर थोड़ा सा चलने के बाद हमको यहाँ पर कुछ खाने पीने का प्रोग्राम भी मिल चुका है। हमको बहुत समय से हमारा जो करेक्टर भूखा था, हमको पता नहीं था कि कैसे जो खाना बनता है। यहाँ पर एक बैरिस हमको मिल चुकी है, यहाँ पर जल्दी से इन सबको कलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने बेस के पास द्वारा, और यहाँ पर मैं कैंप फायर से कुछ खाना बनाने वाला हूँ। मेरे पास थोड़ा एक्स भी बने, तो हम बहुत बाद में अब एक्स भी बना सकते हैं। थोड़ा तो मीट भी पे, चलो यहाँ पर हम भी जो बेरीज हैं उसको थोड़ा बेक कर लेते हैं। यहाँ पर यार टाइम लगेगा, तो मैं अपने पोकेमोन को बुला ही लेता हूँ मेरे रुक के। ये पोकेमोन यार बताना सर कन्फ्यूज होता है। मैंने ऐसी बहुत सारी जो पैल्स भी है ना, वो सर वेस्ट करी है मैंने बहुत सारी। बचना कौन सा दबाना होता था, दबाव कौन सा देता हूँ, फिर मेरी पैल्स फिर वेस्ट हो जाती है यार। चलो यार भैया देखो अपना अलग ही काम कर रहा है। तेरे को बुलाया किस लिए मैंने भाई। चलो कोई यार, मैं थोड़ी बहुत खेती बाड़ी कर रहा हूँ अपनी बैरिज की। और यहाँ पर एक ट्रेडर आ चुके हैं मेरे ख्याल से। चलो इससे बात करके देखते हैं हमको क्या सस्ते में देगा ये, बात करते हैं इससे। यहाँ पर वही बात हो रही है, ये पूछ रहे हो कुछ खरीदना है या बेचना है। तो यहाँ पर हम बाई की करने वाले हैं, और यहाँ पर हमारे पास 1 रुपये भी नहीं, हम कुछ खरीद पाए जो कि इसी करेंसी है। तो यार ये हमारे औकात से बाहर है, तो हम कुछ नहीं लेने वाले। और यहाँ पर हम इसको बाई करने वाले हैं, ये निकल जाए भाई यहाँ से। और यहाँ मेरा पीछे की तरफ पूरा घूमाया, पर मेरा कोई न्यू पैल नहीं मिला वहाँ पर भी। ये 3 पैल से, एक ये शीप वाला, और एक जो एलियंस है, और एक चिकन वाला। और यहाँ पर थोड़ा नीचे आ चुका हूँ, और यहाँ पर फंस चुका हूँ। मेरे को लगा नीचे कोई पोकेमोन मिल जाएंगे, पर मेरे को नीचे भी कोई पोकेमोन मिला। और यहाँ पर मेरा स्टेमिना भी खत्म हो चुका है यार। और यहाँ पर मैं नीचे गिर चुका हूँ, और यहाँ पता नहीं मेरी हेल्थ क्यों जा रही है यार। लगता है स्विमिंग आती है पर इसको ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। तो यार हमारा स्टेमिना भी खत्म है, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा यार, लगता है मर जाएंगे। यहाँ पर हम दोबारा जा रहे हैं अपना सामान लेने के लिए यार। और यहाँ पर देखो पूरे नंगे हो चुके हैं, हमको सारा सामान वापस लेकर आना पड़ेगा। और यहाँ पर एक ग्रीन सा पता नहीं हमको क्या मिल चुका है, तो यहाँ पर हमने इसको पिकअप कर लेते हैं, हमारे कोई काम आएगा यार। कोई एनर्जी है मेरे ख्याल से, कोई सही है यार ये। और नीचे मत देखो, नीचे मत देखो, चलो थोड़ा कंट्रोल ज़्यादा नीचे लगे मैं। और वहाँ पर देखो हमारा सामान पर है, तो जल्दी से हम अपने सामान के पास जा रहे हैं। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा आगे जा रहा था, पर मेरे को ना एक पोकेमोन पकड़ने का बहुत मन है। मेरे पास इतनी है देखो, पोकेमोन खतरनाक नहीं है तो मैं इसको पकड़ नहीं पाऊंगा यार, पर एक दिन मैं इसको जरूर पकड़ूंगा। अभी मैं थोड़े बहुत पोकेमोन पकड़ने वाला हूँ खतरनाक से। मैं 3 पोकेमोन है वही, 2 तो मेरे बेस में और 1 मेरे पास है। और यहाँ शुक्र है देखो यार, हमारा जो सामान है पानी में नहीं है, हमको ऊपर मिल चुका है। तो जल्दी से इसको अपने पास ले लेते हैं वापस। यहाँ पर हमने अपना पुराना स्पॉन्सर ले लिया, और यहाँ पर हमको एक और पोकेमोन मिल चुका है, बहुत पावरफुल पोकेमोन है, पर इसको हम एक दिन जरूर पकड़ेंगे। अभी मेरे पास इतना लेवल नहीं है हमारा। और यहाँ पर हम जल्दी से जा रहे हैं अपने बेस की ओर, रात हो चुकी है। यहाँ पर मैं घूमता घूमता अपने बेस की दूसरी साइड भी आ चुका हूँ, पर मेरे को भी उधर सिर्फ 3-4 पोकेमोन मिले हैं। एक तो 3 जो मेरे पास है पर, और एक जो ग्रीन कलर का एक एलिफेंट है, और एक और जो ग्रीन कलर मैंने आपको पहले दिखाया था भाई। मेरे को ये 5 पोकेमोन दिख रहे हैं अपने बेस के पास। कोई और कमजोर पोकेमोन मिल जाए मैं कैच भी करूँ। और यहाँ मैं कैसल घूम रहा था, और यहाँ पर मेरे को देखो क्या मिला, ऊपर एक पोकेमोन का एग है, उससे मे भी कोई खतरनाक पोकेमोन मिल सकता है। तो यहाँ पर हम उसके पास जा रहे हैं। देखो ऐसे में मैं अपनी पेल्स जो स्पीयर्स हैं वेस्ट करता हूँ, क्या करूँ यार, कंट्रोल से मैं सर भूल जाता हूँ मैं। देखो ये हमको एक वो मिल चुका है पोकेमोन एग, और इसको हम ले लेते हैं, कलेक्ट करते हैं। और हमें इसके लिए एक पोकेमोन इंक्यूबेटर भी चाहिए, जिससे पोकेमोन जो एग है वो हैच हो पाए। वो पता नहीं कैसे मिलता है यार। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं अपने पेस के पास, हमारे बहुत अच्छा अच्छा सामान लूट मिल चुकी है, और मेरे को रिस्क नहीं लेना यार। और यहाँ पर मैं थोड़ी बुलबुल फंस चुका हूँ एक तो। यहाँ पर मैं जैसे कैसे फाइनली ऊपर की ओर आ चुका हूँ, और मेरे को यहाँ पर एक चेस्ट मिली है भाई। मेरे को पहले क्यों दिखी चेस्ट यार। चलो यहाँ पर इसको देख लेते हैं क्या क्या मिलेगा हमको चेस्ट में से। और यहाँ पर हमको 2 मेगा स्पेयर मिल चुकी हैं, और कुछ खाने पीने का सामान मिला है, और थोड़ा कोइन मिले हैं, चल सही है। और यहाँ पर ऊपर की ओर जा रहे हैं, ऊपर की हमारा ऊपर बेस आ जाएगा जहाँ से हमारी जो गेम स्टार्ट होती है। मैं वही बैक साइड आ गया था। और यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत अपने जो बेस है अपग्रेड करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं एक बेल लगा रहा हूँ, इस बेल से ऐसा होगा जैसे मैं पोकेमोन को जो कमांड दूंगा सारे पोकेमोन वही काम करेंगे। जैसे मैं कहूँगा कोई मतलब अटैक करो, कोई पोकेमोन आ गया तो सारे अटैक करेंगे, और जिस टाइम में कहूँगा सो जाओ उस टाइम सारे सो जाएंगे। तो ये बेल है ये काम आने वाली है। और सामने देखो एक पोकेमोन आ चुका है यार, तो मैं अटैक मोड में लगा दूंगा जैसे टाइम पर बना रहा हूँ, क्या था वो मेरे हाथ भी आ जाए। चलो हमारे बेस में आ रहा है पोकेमोन, वो उसमें एक बार हमला कर लेता हूँ। देखो ये 3 हमारे पोकेमोन यहाँ पर, इसमें मैंने पोकेमोन कैच यार ऐसे है थोड़ा भूल जाता हूँ मैं यार, क्या करूँ यार। 1 मिनट यार, थोड़ा एंगल एंगल बनाते हैं इस पर। चलो बिल्कुल थोड़े बहुत कम ना के चांसेस हैं भाई, ये क्या शूट क्यों है ये। चलो
चलो यार, हमारे लोगों की फाइट हो रहा है, और ये एक ही बारी में, मतलब एक बारी में खत्म हो गया। चल सही है, उसकी हेल्थ बहुत कम होगी मेरे पोकेमोन की, और सारे हमारे पोकेमोन काम पे लगा देता हूँ मैं। और मेरे पास एक मेगा स्पीयर पर है, पता नहीं इसको कैसे अपने वो इन्वर्टरी में लगाते हैं। मैं ये सिलेक्ट नहीं हो रही, मेगा स्पीयर सिलेक्ट नहीं हो रही, क्या हो गया, स्क्रीन लग गई थी मेरी। और यहाँ पर है देखो, अच्छा डैमेज दे दिया है मेरे पोकेमोन ने, इसकी बहुत कम हेल्थ हुई है, बहुत कम। सारे पोकेमोन इस पर लगे हुए हैं। और हाँ, मैंने बहुत सारे शिप वाले पोकेमोन पकड़ लिए थे, मेरे को एक मिशन मिला था ये, इसको मैं जल्दी से ऊपर लग देता हूँ एक पहले स्पीयर को, और क्या होता मेरे हाथ में आ जाए। देखो आ गया भाई, क्या किस्मत है, अभी हाथ में तो यहाँ पर मैं मर चुका हूँ यार। चलो कोई ना, दोबारा हम यहाँ पर रिस्पॉन हो रहते हैं, यहाँ पर मैं दोबारा रिस्पॉन हो चुका हूँ। मैं अपने सारे पोकेमोन उधर लगा दिए यार, उनकी बहुत हेल्थ कम हो चुकी है। और यहाँ पर मैं तीन शिप वाले पोकेमोन जो जिंदा हैं, और पता नहीं वो पोकेमोन कहाँ चला गया यार। चलो कोई ना, इनको जल्दी रिपेयर करने रख देते हैं। और यहाँ पर देखो, ये दोबारा पोकेमोन आ चुका है, इसको थोड़ा कैच करके देखते हैं भाई, ये चेंज कैसे होती है बोली, मेरे वो हाथ में बोली नहीं आ रही, एक बटन कौन सा होता है वो। चलो ची, हाँ आ गई भाई, ऐसे ही वेस्ट कर दी मैंने एक बोल यार, मेरे पास एक ही थी। चलो एक और है शायद, होगी, चेंज करके देखते हैं। नहीं है मेरे पास बोल यार, ऐसे मैंने बोल वेस्ट कर दी यार, किस्मत ही बेकार है। और यहाँ पर जितना मैं अपने बेस को अपग्रेड कर सकता था, मैंने अपग्रेड कर दिया। मैंने बहुत सारे चेस्ट लगा दिए हैं, और मैंने बहुत सारे स्टोन और वुड तोड़ दिया है, और मेरे को एक नई चीज़ खुली हुई है जो लेवल अप से वो खुलती है। तो मैं यहाँ पर वही मूर्ति लगाने वाला हूँ, पता नहीं मूर्ति क्या काम आने वाली है। यहाँ मूर्ति मैं यही लगाता हूँ, ये भी कोई ना पोकेमोन की मूर्ति है, कोई लेजेंडरी पोकेमोन होएगा, तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। इसके लिए सामान क्रिएट करने में थोड़ा टाइम लग गया मेरे को। और यहाँ पर मैंने बहुत सारे पोल्स पर भी बनाने हैं, मैं भूल जाता हूँ यार, पोल्स पर बिल्कुल भी नहीं होते यार। बाई चांस मेरे को अच्छा पोकेमोन मिल गया तो मैं उसको कैच नहीं कर पाऊंगा। और यहाँ पर देखो, सारे मेरी हेल्प करने के लिए आ चुके हैं, और फाइनली ये बन चुका है। देखते हैं ऐसा क्या काम है। इससे हम अपने जो पोकेमोन की जो है ना, उसको अपग्रेड कर सकते हैं। जो हमको पहले एनर्जी नहीं मिलती ग्रीन कलर की, तो एनर्जी वो यहीं। और यहाँ पर तुमको एक चीज़ दिखाऊँ, एक मिनट यार, थोड़ा किनारे पर जाता हूँ। और यहाँ पर एक दो तीन, और यहाँ पर मुझे बोगी बना लिया, और मैंने पैराशूट बना लिया एक, इससे हम ग्लाइडिंग करके जा सकते हैं। पर इसमें स्टेमिना बहुत जल्दी जाता है यार, मेरे को अपने जो पोकेमोन को अपडेट करना पड़ेगा। देखो मेरे को कौन सा पोकेमोन मिल चुका है यार, ये पोकेमोन बहुत खतरनाक पोकेमोन है, मैंने देखा है इसकी वीडियो में टेक्नो गेमर्स की। और मैं इसको कैच करने वाला हूँ, यहाँ पर दो दो हैं तो अच्छी किस्मत है। यहाँ पर सही है, मैं थोड़ा डिस्कवर कर रहा हूँ ना न्यू इलाका, तो मेरे को अच्छे से पोकेमोन मिल रहे हैं। चलो यार, इसकी थोड़ी हेल्थ कम हो जाए, फिर मैं इसे पकड़ूंगा। और यहाँ पर देखो, ऐसे ही बर्फ से जमा आता है, बहुत काम का पोकेमोन है। चलो एक मर गया तो कोई ना, मेरे पास एक और भी है चांस। एक मिनट यार, थोड़ी पोकेमोन सेलेक्ट कर देता हूँ मैं इसको। एक मिनट आ जा, क्या यार ऐसे देखो पोकेमोन वेस्ट करता हूँ मैं। एक मिनट यार, थोड़ा एंगल मोबाइल पे खेलना थोड़ा औखा है यार, सही बात है। यहाँ पर चिकन वाला पोकेमोन बेफालतू में आ रहा है बीच में, और यहाँ पर हमने इसको कैच कर लिया। भाई आ जाइयो यार, आ जाइयो आ जाइयो आ जाइयो। चलो यार स्लाइड हो रहा है, चलो फाइनली हमारा एक कैच में आ चुका है, हमारे चार पोकेमोन हो चुके हैं अच्छे खासे। अब यहाँ पर हम आगे की ओर जा रहे हैं, हमको इतनी फाइट नहीं लेनी यार, बस हमारा एक पोकेमोन हमने भेज दिया कि जो हमारी हेल्प करे। चलो चलो आगे की ओर जा रहे हैं, आगे भी हमको कोई न्यू पोकेमोन मिल सकते हैं। यहाँ पर तो ऐसा खाली तो खाने पीने का सामान है यार, पर देखो ये पोकेमोन आ चुका है, सही है यार। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आगे की ओर आ चुका हूँ, मेरे को यहाँ पर दो नए पोकेमोन मिल चुके हैं। यहाँ पर मैं अलग ही थोड़ा एरिया में आ चुका हूँ ना, यहाँ पर पहले मैं फास्ट ट्रैवल अनलॉक कर लेता हूँ। बाई चांस मैं कभी हेल्थ कम हो गया, मर गया, तो यहाँ पर मैं टेलीपोर्ट हो जाऊँगा। देखो ये ग्रास टाइप पोकेमोन लग रहा है मेरे को, और यहाँ मैंने अपने आइस टाइप पोकेमोन को भेज दिया, हमें एडवांटेज है पर, और यहाँ पर ये हमला कर रहा है। चलो अच्छा डैमेज दे दिया, ये थोड़ा ना मेरे को मग की थीम दे रहा है, मग को थोड़ा ग्रास टाइप है। चलो कोई ना, इसको कैच करके देखते हैं, इसकी हेल्थ तो मैंने कम करी दी, या इसकी हेल्थ नहीं कम हुई तो मैं इसको ऐसे भाई। एक बात क्या आ रही है, यहाँ पर तो ग्राउंड टाइप हमला भी करता है, सही क्या रहे हमारे पोकेमोन में। एक और देखो, इसका कैप्चरिंग रेट बहुत ज़्यादा है, तो मैं भी आ ही जाएगा जल्दी से। यहाँ पीछे कोई पोकेमोन है तो मैं उसको भी कैप्चर करने की सोचूंगा। पिंक कलर का फेरी टाइप पोकेमोन लग रहा है मेरे को, भाई मैं अपने ऐसे अंदाजे मार रहा हूँ, फेरी टाइप लग रहा है मेरे को। यहाँ पर देखो, इसने हमला कर दिया, उसका लेवल अच्छा खासा है भाई, हमको बच के रहना पड़ेगा इससे, थोड़ा डॉज खेलना पड़ेगा। ओए मैं देखो कितनी गंदी किस्मत है भाई, मैं डॉज तो क्या कर रहा हूँ, उसके सामने ही आ गया मैं। चल कोई ना, इसको जमा दिया। और यहाँ पर हमारे पोल्स यार ऐसे ही वेस्ट होते रहते हैं, जो पोल्स पीर हैं, और यहाँ पर इसकी स्पीड अच्छी खासी है, और वो बेचारा जख्मी हो गया यार। तो मैं इसी पोकेमोन चेंज करता हूँ, न्यू पोकेमोन है, इसको भेजता हूँ मैं। बहुत कम हेल्थ कर दी इसने यार, और भाई उसको मारना मेरे को क्यों मार रहा है। और यहाँ पर देखो, हमारा पोकेमोन किस पे हमला कर रहा है भाई, तेरे को किस लिए भेजा। देखो एक ही बार में जख्मी हो गया, चल पहले उसकी हेल्थ कम थी तो समझ सकता हूँ मैं। यहाँ पर मेरे को बचना पड़ेगा यार, भाई मेरे को लग रहा है जो मैंने वो फास्ट ट्रैवल अनलॉक किया ना, उसका भी यहीं पर यूज करना पड़ेगा। जल्दी ट्रैवल हो भाई, भाई मेरे को नहीं पता तू जहाँ मैं ट्रैवल करता है, मेरे को इससे बचा, मेरे को मार देगा नहीं तो, बहुत कम हेल्थ कर रहा है, मर गया मैं। भाई जल्दी कर गई भी ट्रैवल, चलो ट्रैवल हो गया फाइनली यार, बच गया मैं उससे। ये ना आ जाए हमारे पीछे पीछे, हमारी हेल्थ बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, तो हम थोड़ा कुछ खा पी लेते हैं। अब से मेरा जो है एक ही मकसद है, मेरे को बहुत सारे पोल स्पीयर जो है बनाने हैं, जिससे मैं बहुत सारे पोकेमोन कैच कर पाऊँ यार। हमेशा मेरे पास ये खत्म हो जाते हैं, या मेरे पास ये होते ही नहीं है।
और मैं बहुत बहुत पावरफुल पोकेमॉन ऐसे जाके पंगे ले लेता हूँ, मैं पिट गया था हर बार यार। मेरे को अपनी टीम जो है पावरफुल बनानी है यार, पर एक दिन मैंने टीम जो है पावरफुल बना पाऊंगा। अभी मैंने आज के एपिसोड में 2 पोकेमॉन पकड़ लिए हैं यार। चलो आज के एपिसोड में इतना ही, हम 2 न्यू पोकेमॉन पकड़े हैं, बाकी अगले एपिसोड में हम कोई खतरनाक पोकेमॉन पकड़ने की कोशिश करेंगे। बाकी मिलते हैं न्यू। बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।